हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अनबॉक्स इट। आई एम देवेश, और जैसा आप देख ही सकते हैं मेरे पास सैमसंग की तरफ से एक Z Fold 6 की एंटी रिफ्लेक्टिव फिल्म है। ये एक आपका स्क्रीन प्रोटेक्टर है जो आप फ़ोन की फ्रंट में लगाते हैं, तो ये Z Fold 6 के लिए आ रहा है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मच ऑफ अ टाइम, लेट्स अनबॉक्स इट। तो गाइज, मैंने रिसेंटली ये Z Fold 6 लिया था, काफ़ी अच्छा फ़ोन है। इसकी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। S24 Ultra, S23 Ultra, इन सब फोन्स की वीडियोस मेरे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी, लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले बॉक्स का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो बॉक्स के ऊपर आपको सैमसंग की ब्रांडिंग Z Fold 6 की फोटो, साथ में फिल्म एक देखने को मिल जाती है। नीचे गैलेक्सी Z Fold 6 एंटी रिफ्लेक्टिव फिल्म है। अब एंटी रिफ्लेक्टिव का क्या मतलब है, जब से गैलेक्सी S24 Ultra है, मैंने अपनी वीडियो में भी मेंशन किया था, इन फोन्स में कोटिंग है, वो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग है। बेसिकली ये क्या कोटिंग है कि जब आप धूप में होते हो तो धूप में आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करता है, तो ये रिफ्लेक्शन कम देता है। तो अगर आप कोई भी थर्ड पार्टी स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाते हैं जो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग नहीं देते हैं, तो ये स्क्रीन का जो एंटी रिफ्लेक्शन वाला फीचर है वो ख़त्म हो जाता है। बट ऑब्वियसली आपने स्क्रीन तो बचानी है, तो आप इसको ऐसे तो रख नहीं सकते। तो सैमसंग आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर ही देता है जो आप इसमें लगा सकते हैं, और इसकी एंटी रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टीज़ वैसी रहती है। मतलब कि आपको ये जो स्क्रीन प्रोटेक्टर मिल रहा है इसमें भी एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग है, इसीलिए ये सैमसंग अलग से बेच रहा है। साइड की बात करें तो एंटी रिफ्लेक्टिव फिल्म है, और राइट साइड पे कुछ नहीं है। टॉप पे दो सील्स है, बॉटम पे एक सील है। बैक की बात करें तो थोड़ी सी डिटेल्स देखने को मिल जाती है, और इसका प्राइस देखने को मिल जाता है। प्राइस इसका 199 है, और ये 2000 रुपये की ही पड़ती है। सैमसंग इसमें कोई भी डिस्काउंट ऑफर नहीं करता है। जो S23 Ultra था मैंने उसके लिए भी ली थी, उसकी 1600 रुपये की थी, उसमें भी कोई डिस्काउंट नहीं था। वो वीडियो देखना चाहते तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे अगर आप देखें तो थोड़ी सी और डिटेल्स है, थोड़े से इसकी सीरियल नंबर है, और यहाँ पे आपको एक QR कोड देखने को मिल जाता है। तो अगर आप इस QR कोड को स्कैन करते हैं तो इस फिल्म को कैसे लगाते हैं आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो ये Fold 5 की वीडियो इन्होंने इसमें डाली है। Fold 5 और Fold 6 की सेम ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। सैमसंग की सिर्फ फ्रंट वाली ये जो कवर स्क्रीन है इसी की ही फिल्म आती है, अंदर वाले का स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं आता। इसको खोल लेते हैं, पर खोलने से पहले मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ अगर आपको बारिश की आवाज़ आ रही है, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है मेरे घर के बाहर अभी। तो हमें ये कुछ थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन और अप्लाई कैसे करनी है उसके बारे में काफ़ी बड़ी सी बुकलेट देखने को मिल जाती है। फिर इसमें एक बॉक्स मिल जाता है चिपका हुआ, ये हमारा गाइडर है। बेसिकली आप इसमें फ़ोन को रखते हैं ताकि वो हिले ना, और ये गाइड भी करता है फिल्म लगाने के लिए। ये आपका स्क्वीजी, डस्ट रिमूवल स्टिकर्स, और एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ, ठीक सी क्वालिटी का है, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी नहीं बोलूँगा मैं। और यहाँ पर भी आपको सेम वीडियो गाइड का लिंक देखने को मिल जाता है इस QR कोड फॉर्मेट में। और सैमसंग इसके अंदर दो फिल्म्स देता है, अगर एक में आप गड़बड़ कर दो तो दूसरी शायद आप ठीक लगा लो, बट हम कोशिश करेंगे कि हम पहली ठीक लगाए और एक हम स्पेयर रखें। तो फटाफट से ये फिल्म्स इस फ़ोन में लगा देते हैं। फ्रेंड्स, मैं रिकमेंड करता हूँ कि एक बढ़िया सा सॉफ्ट सा क्लॉथ या एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ आप नीचे रख लें जिसके ऊपर आप फ़ोन रख सकें, क्योंकि इससे फ़ोन पर स्क्रैच भी नहीं पड़ते हैं और वो हिलता भी नहीं है। तो मैं एक और क्विक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, अपना यार कैमरा भी प्रोटेक्ट कर लेना इस प्रोसेस में। वैसे दिक्कत आती तो नहीं है, बट कई बार फ़ोन अगर स्लिप हो जाए या कुछ हो जाए तो कैमरा पर स्क्रैचेस बड़े महंगे पड़ जाते हैं। तो फॉर द टाइमिंग इसमें लैमिनेशन या कुछ ऐसी टेप लगा देना कि थोड़ा हिल हुल जाए तो स्क्रैच ना पड़े कैमरा में, जस्ट फॉर मोर प्रिकॉशन, अदरवाइज रिक्वायर्ड नहीं है। तो सबसे पहले हमने अपना ये फोल्ड खोल लेना है और इसको उल्टा रख लेना है। फिर आपने गाइडर लेना है, इसके साइड में जो थोड़ी सी स्टिकर वाली टेप है ये हटा देनी है, और इसको इसके साथ मिलाना है यूं करके कि बिल्कुल एज टू एज मिल जाए। अब आपने अपनी स्क्रीन बहुत अच्छे से साफ करनी है, फिर आपने डस्ट रिमूवल स्टिकर लेना है, और जो भी आपको छोटे मोटे डस्ट पार्टिकल दिख रहे हैं वो उठाने हैं ऐसे। अब हम इसको लगाएंगे। अब हमारा एक स्क्रीन प्रोटेक्टर हम लेंगे, वी विल ओपन इट, और ये है हमारा स्क्रीन प्रोटेक्टर। लगाने से पहले एक फाइनल चेक और कर लेना अपने डिवाइस में, कहीं कोई डस्ट पार्टिकल वगैरह ना हो, अगर है तो साफ कर लेना, डस्ट रिमूवल चाहिए तो डस्ट रिमूवल। सबसे पहले वन वाला स्टिकर हटाना है, और इसको हमें घुमा के अब ये देखिए यहाँ मिलाना है, और यहाँ मिलाने के बाद हमने ऊपर मिलाना है जहाँ पे हमारे कैमराज हैं। तो जहाँ हमारा कैमरा है हमने वहाँ मिलाना है, वहाँ पे मिला लिया, नीचे मिलाना है, और अब बीच में जहाँ पे हमने वो निकाला था थोड़ा सा चिपका देना है ऐसे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अलाइनमेंट मैंने कर ली है, और अलाइनमेंट करने के बाद मैंने मिला भी लिए। अब है स्क्वीजी का काम,
आपने कुछ नहीं करना, ये 2 वाला लेना है, इसको थोड़ा सा पीछे करना है और आप देखिए खुद ही निकलने लग जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं निकल रहा है, आपको स्क्वीजी से पुश करने लगना है ऐसे। अब हमें फोन रोटेट करना है, ये हमने अब निकाल देना है। इसको भी वैसे ही उठाना है और वैसे ही थोड़ा सा पुश करके ऐसे कर देना, ठीक है। अब थोड़े से फाइनल टचेस देने हैं। फाइनल टच के लिए आपको जहाँ पे भी एयर बबल दिख रहा है वहाँ पे आप धीरे धीरे पुश करके निकाल सकते हैं और ऐसे निकाल सकते हैं। थोड़ा साइड्स पे प्रेशर देना है, एक बारी जब आप साइड्स कर लेंगे फिर आपको इस सेकंड वाली लेयर हटानी है। अब इसको हटाने के बाद हमने अपना क्लॉथ यूज करना है और थोड़ा सा जो एजेस है उनको सॉफ्ट कर देना है ऐसे रब कर करके, और ये एंटी रिफ्लेक्टिव आपका स्क्रीन प्रोटेक्टर लग चुका है। थोड़ी सी यहाँ से मुझसे गड़बड़ हो गया बट आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और रिफ्लेक्शन इसने एकदम रोक दिया, इनफैक्ट स्क्रीन से बेटर रिफ्लेक्शन ये रोक रहा है। तो फ्रेंड्स यही थी वीडियो इस एंटी रिफ्लेक्टिव स्क्रीन प्रोटेक्टर की, जो Z Fold 6 के लिए आता है। 2000 रुपीस का ये कॉस्ट करता है बट काम भी वैसे ही करता है, सॉफ्ट काफ़ी ज़्यादा है मैं मना नहीं करूँगा बट 2000 रुपीस के लिए काफ़ी महंगा है, बट वैसे काम करने के लिए काफ़ी अच्छा है और काम भी कर रहा है, रिफ्लेक्शन इसने बिल्कुल नील कर दी है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हम ऐसे ही कंटेंट लाते रहते हैं, प्लीज़ टू सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।